हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम टॉपिक करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस। जब भी आप अकाउंटिंग की बात करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो, तो आपकी आपसे ये सवाल पूछा जाना बहुत ही कॉमन है। एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है। इवन मेरे से भी, मेरे बीकॉम जब मैं कर रहा था तो मुझसे भी ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग है वो काम करता है। और आपको जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तभी आपको प्रोसेस का पता चल जाएगा। अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है उसी में सारा का सारा प्रोसेस बताया हुआ है। जैसे कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ अभी, तो अकाउंटिंग क्या होता है? सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी डू ट्रांजेक्शंस, वी डू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्लासिफाई देम, समराइज देम एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। देखो तो ये चारों के चारों प्रोसेस जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है, चारों पॉइंट्स, वो चारों के चारों पॉइंट जो है डेफिनेशन में ही इंक्लूड हो जाएंगे, है ना? तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पर उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको हमारे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है, जिसका नाम है ज्वाइन बटन, है ना? ज्वाइन बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे जाकर के आपको इग्नू बीकॉम का जो ज्वाइन बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, आपको इग्नू के असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे अगर आप हमसे लेना चाहें। ज्वाइन करने के बाद आपको जो व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके, हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके आपको जो है हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो इग्नू बीकॉम न्यू बोल करके यहाँ पे सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगे जिनको देख करके आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना? और एक बार बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ये देखो ये रेड कलर का बटन है ना, देखो अभी अनसब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है ताकि आप एक तरीके से यू नो सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन निकल करके आएगा उसको भी दबाना, ताकि हर एक तरह की वीडियो जो है वो आप तक पहुंच पाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस तो फिर चार तरह का होता है, चार इसमें प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या हुआ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट से, जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना? सो द अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना? और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहा जाता है? जर्नल को कहा जाता है। तो जर्नल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। द बुक यूज फॉर द ओरिजिनल एंट्रीज इज कॉल्ड जर्नल, है ना? द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एज एंड वेन दे ऑकर इन ऑर्डर ऑफ डेट्स। तो बिजनेस जो भी जर्नल में है, जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जब भी कोई ट्रांजेक्शन ऑकर होगा, सपोज 5 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन ऑकर हो रहा है तो मैं 5 तारीख को ही उसकी एंट्री करूंगा, और जिस टाइम पे उसकी होगी उसको वैसे ही करूंगा। मतलब आपको ऑर्डर में करना है। सपोज एक दिन में 5 एंट्री हो रही है तो ऐसा नहीं कि जो दिन के आखिर में एंट्री हुई उसको मैंने पहले लिख दिया, जैसे जैसे एंट्री होगी वैसे वैसे मैं रिकॉर्डिंग करता रहूंगा। और मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, वो मैं करूंगा जर्नल में, है ना? तो यहाँ यूनिट 5 में जब हम करेंगे तो फिर हम जर्नल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात यहाँ पे बोली गई है, एंट्रीज इन द जर्नल आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस वाउचर्स सच एज कैश मेमोज, इनवॉइस, रिसीट्स, ईटीसी। तो ये वाउचर्स होते हैं, जब आप सामान खरीदोगे ना तो देखना आपको बिल मिलता है, राइट? एक पर्ची मिलती है, तो वो पर्ची को एक तरीके से हम यहाँ पे वाउचर का नाम देंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन में पैसों का जो पेमेंट है वो तुरंत नहीं होता, उसके लिए वो लोग वाउचर इश्यू करते हैं, है ना? तो ये जो वाउचर्स होते हैं इन्हीं को देख करके एक तरह से रिकॉर्डिंग जो है जर्नल में करी जाती है, ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। आप अपने ट्रांजेक्शन को कैसे क्लासिफाई करोगे? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको रियल, नॉमिनल और पर्सनल में अकाउंट्स को बांटना है। तो जब आप बांट लोगे तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है क्लासिफाई करना होगा कि कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको डेबिट लेजर में करनी होती है। देखो यहाँ पे द सेकंड स्टेप इज टू ग्रुप द ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड पोस्ट देम इन टू अ डिफरेंट अकाउंट इन अनदर बुक कॉल्ड लेजर, है ना? यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सेम तरह के ट्रांजेक्शंस हैं उसका एक ग्रुप बनाना है, और उन सारे ग्रुप, उस ग्रुप को, उसका ट्रांजेक्शन जो है एक जगह पे जाकर के हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पूरे साल में आपके 15 ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो कि कैश के थ्रू हो रहे हैं, तो उसमें कॉमन क्या हो गया, कैश। तो जो आप कैश अकाउंट बनाओगे लेजर में, जो कैश बुक बनाओगे, वहां पे वो 15 बार उसका एंट्री होगा। आप समझ रहे हो, जितना कैश से रिलेटेड एंट्री है वो एक जगह, एक्सपेंसेस जो कि पर्टिकुलर तरह का एक्सपेंसेस है उसको एक जगह, डिप्रिसिएशन एक जगह। मतलब आपको ग्रुपिंग बनाना है, जो भी ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसका एक ग्रुप बनाना है और उसको फिर लेजर में जाकर के आपको पोस्ट कर देना है, और उस लेजर बुक को बोलते हैं हम लोग लेजर, उस बुक को बोलते हैं हम लोग लेजर। फॉर एग्जाम्पल
All transactions relating to cash are brought together and recorded at one place in cash account, जो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है ना? Similarly, dealings with the different persons are recorded separately in the account of each person, है ना? हर एक व्यक्ति का अलग अलग अकाउंट है, तो उस व्यक्ति का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस व्यक्ति के अलग अलग अकाउंट में ही वो रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना? The accounts so prepared are total and balanced periodically to know the net effect of the related transaction. अब जब आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको क्या करोगे? आप इसको एक तरीके से टोटल कर लोगे कि कितना रुपया जो है टोटल हो रहा है। अब लेजर क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में यूनिट 5 में बात करेंगे, यहाँ पे बोली गई है बात। अब समराइजिंग की बात करते हैं कि किस तरीके से जब आपने क्लासिफाई कर लिया तो आप समराइज करोगे, जोड़ोगे, है ना, कि कितना हो रहा है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर ए ईयर एंड समरी नोन एज फाइनल अकाउंट। तो अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोग फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, जो कि साल के अंत में क्रिएट होता है, एक साल का पीरियड पूरा हो जाने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स के प्रिपेयर होने के पहले वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द वर्क डन। लेकिन फाइनल अकाउंट क्रिएट करने के पहले हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। आपने 11 में किया होगा और उसके बाद आपको मिलता होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपका बैलेंस शीट, राइट? तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इन द अदर वर्ड्स, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट वेदर द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री हैज बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड और नॉट। अब इसका जो मतलब है कि चेक करने का ट्रायल बैलेंस का, वो ये भी है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। मतलब आपने सुना होगा कि डबल एंट्री में क्या होता है, डबल एंट्री में हम लोग एक जो ट्रांजेक्शन होगा उसकी दो जगह एंट्री होगी, क्योंकि उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, तो उसकी जगह दो जगह उसकी एंट्री होनी चाहिए। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री फॉलो नहीं करोगे, आपने अगर सपोज एंट्री किसी एक जगह किया, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो नहीं मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी चेक किया जाता है कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू कि आपने ठीक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री को फॉलो किया है कि नहीं किया है व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। देन विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना? तो ट्रायल बैलेंस और अदर चीजों के साथ जो अकाउंट्स हैं उनके साथ मिलकर के हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल अकाउंट बनाने का? अब अगर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसके पीछे हमारा रीजन क्या होगा? वो रीजन ये होगा टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज का जो नेट रिजल्ट है, आखिर में आपको जाके क्या मिला, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, किसको पैसे देने बाकी हैं, किससे पैसे मिलने बाकी हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको यहाँ से पता चलती हैं। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना ग्रो किया, पिछले साल 2 लाख की कंपनी थी, इस साल 4 लाख की होगी, अगले साल 8 लाख की हो जाएगी, तो ग्रोथ जो है कंपनी में कैसा है वो पता करने के लिए, बैलेंस शीट की वैल्यू पता करने के लिए हम इसको करते हैं। द फाइनल अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ ए इनकम स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट बनता है वहां पे 3 तरीके का अकाउंट बनता है, यहाँ पे लेकिन 2 तरीके की बात की जा रही है। एक है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, मतलब दोनों को जोड़ दिया गया। आपने जब 11 12 करा होगा तो देखना ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, पीएल अकाउंट अलग बनता है। कई बार टीचर ने आपको बताया होगा कि ट्रेडिंग और पीएल एक साथ कर दो, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट एक साथ हम लोग निकालते थे वहां पे एक ही फॉर्मेट में, ठीक है ना? पर बनता अलग अलग ही था, तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक बनता क्या है पोजीशन को चेक करने के लिए, वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मिलने पर आई होप सभी को खुशी होती होगी, हमें भी होती थी, है ना? सो द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो वेदर द बिजनेस यूनिट हैज अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस। अब ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस इनकर किया होगा, और अगर लॉस इनकर किया है तो क्यों इनकर किया है, है ना? ये सारी चीजें। और बैलेंस शीट जो है तैयार किया जाता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस किस तरीके से काम कर रही है, व्हाट बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओज, मतलब बिजनेस के पास क्या चीजें हैं जो वो ओन करता है, और बिजनेस को दूसरे को कितनी देनी है, मतलब एसेट और लाइबिलिटी, है ना? एसेट जो कि बिजनेस का होता है और लाइबिलिटी जो कि बिजनेस को पे करना होता है ना? आखिरी पॉइंट है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब जब हम लोगों ने ये सारा कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिजल्ट निकालेंगे कि भाई क्या हुआ आखिर में जाकर के क्या हुआ। सो द रिजल्ट्स आर देन एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड विद अ व्यू टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, है ना? तो रिजल्ट जो होते हैं बाद में जाकर के जब तैयार हो जाते हैं फाइनल अकाउंट पूरा, तो उसमें हम क्या करते हैं उसको एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस ने किस तरीके से काम किया है, इट्स फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी एंड इट्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट। हम ये भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर जाकर के वो कंपनी किस तरीके से रन करेगी, किस कैश कितना उसको प्रॉफिट होगा, और क्या उसके पास एबिलिटी है कि जो उसने शॉर्ट टर्म लोन लेकर के रखा है या लॉन्ग टर्म उसने लोन लेकर के रखा है, डेट मतलब होता है लोन, ठीक है ना?
तो लोन लेकर के रखा, क्या उस लोन को चुका पाएगी, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। द रिजल्ट एंड द कंक्लूजन दस अराइव्ड एट आर रिपोर्टेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल करके आती है कैलकुलेशन के बाद, वो सारी की सारी चीजें जो है कंक्लूजन के रूप में इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, बैंकर्स, इन सारे लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाई जाती है। राइट, नाउ द बैलेंस ऑन द वेरियस अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट विल बी देन ट्रांसफर टू द न्यू बुक ऑफ अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज अगेन स्टार्टेड, है ना। तो ये जो प्रोसेस खत्म हो गया तो फिर अगले साल से हम फिर से नया अकाउंटिंग पीरियड जो है स्टार्ट कर देंगे। इसी जो प्रोसेस ये चलता रह रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग साइकिल, क्योंकि ये खत्म नहीं होता। रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, फिर अगले साल जाकर के फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब ये हर साल जो है ये प्रोसेस जो है चलते रहता है, इसलिए हम इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अकाउंटिंग साइकिल, बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि ये हमेशा जो है रिपीट होते रहता है। रेगुलरली इन द सेम ऑर्डर द अकाउंटिंग साइकिल इज प्रेजेंटेड इन चार्ट 2.0। यहाँ पे देखो चार्ट बनाने की कोशिश की गई है। इस चार्ट को हम लोग गोल करके दिखाते थे, यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल हुआ, जर्नल के बाद लेजर हुआ, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस हुआ, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया। फिर अगला साल जब हुआ तो फिर से हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, फिर जर्नल बनाया, फिर लेजर बनाया, इस तरीके से करके जो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा चलते रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। राइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जहां पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग प्रोसेस को करते हैं या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।